मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था, बोल बोल खड़े, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। CAA का कानून तायिद किए, किसने उस कानून को? मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते हैं उसको। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, धनगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अकलियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर है, इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। तो आपका इत्तेहाद जो कल तक खान बान बोलता था कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ये जो शिवसेना का उम्मीदवार क्या कहता था, 30 साल 21 साल एमपी था, कहता था क्या कल खान या बान, हाँ खान या बान, आप लोग मुत्तहिद हुए ना, आप लोग, आप में इत्तेहाद है, जोर से बोलो इत्तेहाद है। तो आपका इत्तेहाद जो कल तक खान बान बोलता था कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, पहली कामयाबी आपको ये मिल गई कि 30 साल में कभी ईदगाह क्या थी नहीं मालूम था, तुमने उसको मजबूर कर दिया ईदगाह पर बुलाकर। ईदगाह पर आया नहीं आया, अब आपका सियासी शऊर इतना बढ़ गया कि आप वो जान चुके कि अब औरंगाबाद की आवाम एक बार इत्तेहाद की ताकत को महसूस कर ली, अब वो इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करेंगे। तो उसने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने कहा तू अपनी जबान से बोल, क्या बोल, मस्जिद में जाकर जो नमाज पढ़ते उनका दिल अच्छा रहता। तो आपने कहा दिल तो इम्तियाज को दे चुके, तो उसने कहा कि जो लोग नमाज मस्जिद के पास आके पढ़ के फूंकते, बोला ना, पढ़ के फूंकते, खैरे मैं अभी यहां पे हिजबुल बहरतल कुर्सी पढ़ के फूका हूं। माने आपका इत्तेहाद इतना ताकतवर है, मैं आपके सियासी शऊर को सलाम करता हूं कि जो खान बान कहता था, हिंदुत्व का नेता अपने आप को कहता था, जिसने 21 साल में कभी औरंगाबाद के दलितों के लिए, धनगरों के लिए, मराठाओं के लिए, मुस्लिम अकलियत के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो मजबूर है, इसलिए कि खैरे जानता है उसका आखिरी इलेक्शन 2019 में हो गया, अब यहां से सिर्फ वापसी होने वाली है। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दिल्ली का इलेक्शन है, हम क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 साल से,
दिल्ली का इलेक्शन है। अरे दिल्ली का इलेक्शन में औरंगाबाद से जाना है दिल्ली को। क्या बताओ उद्धव ठाकरे, तुमने ट्रिपल तलाक के कानून की तायद की नहीं? तायद की तुमने? CAA कानून की तायद की तुमने? UAPA कानून की तायद की? और UAPA का कानून पूरी दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन कानून, उद्धव ठाकरे ने तायद की। ट्रिपल तलाक का कानून शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने तायद की। और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया, CAA का कानून, CAA का कानून तायद किए। किसने उस कानून को? मोदी के 303 एमपीओ के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते इसको। उद्धव ठाकरे ने तायद की। अच्छा खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ये फर्क है, ये फर्क है। बोलो मस्जिद के पास आकर बोल रहे, पड़के फूकते, नमाज पढ़ लो। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप, आइंदा क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आइंदा, क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर वो रहा पढ़ के फूकते। अब आइंदा का कदम क्या है, क्या है? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना, वो नहीं बोलना, नहीं वो मैं बोल रहा ही नहीं। ए, क्या है, क्या है ये है? खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रहे हैं भाई, अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन, अब सुनो, अब सुनो, 13 तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे? जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप माने वोट, कटिंग से मतलब वोट, ज्यादा उसमें नहीं जाना, ना ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को, खिलाने के बाद क्या हो सकता मेरे पे नहीं मालूम सर। तो सुनिए, अभी टाइम जा रहा, अरे ठहरो, आखिर में करेंगे पूरा ऑपरेशन।